जा रहा है दोनों। टाटा टाटा अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादू को भी सलाम करना बेटा। तो कल ये पढ़े थे, एनसीईआरटी बनाए थे, उसमें जो बोला था। यस सर। समझ में आया? यस। इसमें ये सब तो ठीक है ना, ये तो बोला था कि मतलब सब है कुछ नहीं। तेरे स्क्रीन वर्टिकल पे है जैसे आकर एग्जांपल ये सब देख लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ये सब पी ए पी बी दिया, पी ए बाय बी निकालना डायरेक्ट फॉर्मूला पर है ना, तो ये वाला एक्सरसाइज तो बना होगा। 13.1 में तो मतलब कुछ है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सब है, और इसको बनाओगे जो डाउट होगा उसमें तो पूछोगा। फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वही आ गया, बेस थ्योरम उसके बाद आएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वही, पी बाय एफ लिख के इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए बता दिया था ना। दिन और सो इवेंट्स तो जब डिस्कशन करेंगे तो आ जाएगा। मतलब यही बेस थ्योरम, मतलब टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यही बेस थ्योरम है। वही है कि इतना पार्ट्स करेंगे ना तो उसका यही चीज आ जाता है, नीचे वाला वहां तक आने के टोटल पार्ट्स जितने होंगे उससे डिवाइड कर देता है। तो हम कंडीशन लिख दिए बेस थ्योरम का, यही है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही है। ये बोला था उनके लिए है ना, बैग वन कंटेंस तीन रेड इतना है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, ये समझे। और तुमको जो है ना ये चीज इस तरह से फॉर्मुलेट करना है, मतलब कॉपी जैसे होगा। बाकी तो मुझसे करवाएंगे सर, वो डायग्राम से तो इजी हो जा रहा था। हाँ, लेकिन बोर्ड में ना डायग्राम से तो इजी हो जाएगा, बोर्ड में तो वही हम कह रहे हैं ना कि डायरेक्ट ये चीज लिखने में सबको दिक्कत हो जाता है ना, कि डायरेक्ट अगर कोई ये लिखेगा ठीक है ना तो दिक्कत है। तो लेकिन बोर्ड में तुमको ये पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं समझे ये चीज। यस, ठीक है ना, तो बोर्ड में वहीं से बैक स्टेप करके लिखो ना, लिखो ठीक है, ये है ना। तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया जो उसमें जहां तक ये तो सॉल्यूशन उससे देख लेना, हम कह रहे हैं बाकी हम उससे करूंगे। तो बैग वन कंटेन्स थ्री रेड एंड थ्री फोर ब्लैक बॉल्स व्हाइट व्हाइल अनदर, क्या क्या है बैग वन में, क्या है तीन रेड है और चार ब्लैक बॉल्स है, ये ना वहां देख लेना। बैग वन कंटेन्स थ्री रेड फोर ब्लैक बॉल्स व्हाइल अनदर बैग टू कंटेन्स पांच रेड छह ब्लैक बॉल्स, एक बॉल ड्रॉ किया, ठीक है। देखो दो बैग है, अब तुमको क्या करना है, मेरे पास दो बैग है, जैसे सॉल्व करोगे ना तो रफ में ये चीज बना लो, उसको फिर लैंग्वेज में फॉर्मुलेट कर देना बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो एक बैग है, ये
बैग वन है, और फिर जो है ये बैग टू है, ठीक है ना। तो बैग वन में मेरे पास क्या है, तीन रेड है और चार ब्लैक बॉल्स है, और बैग टू में क्या है, पांच रेड है और छह ब्लैक बॉल्स है, ठीक है ना, ये दिया हुआ। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ये है, उसके बाद फिर क्या क्या कह रहे हैं कि एक बॉल को सिलेक्ट किया है ना, क्या रेड है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, ठीक है ना, कोई एक बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं, तो कोई एक बैग से एक बॉल निकालोगे, ठीक है ना, किसी में से एक बॉल निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा तुम्हारे पास, जब अगर तुम स्टार्ट करोगे तो क्या सिलेक्ट होगा, या तो बैग वन होगा या बैग टू होगा, और वो मिला तुमको रेड, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग टू। तो यहां से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, या तो तुम बैग वन सिलेक्ट करोगे या नहीं तो बैग टू सिलेक्ट करोगे, है ना, और दोनों सिलेक्ट करने का तुमको क्या मिल रहा है, रेड, वन ऑफ द बैग इट इज फाउंड टू बी रेड, रेड मिल रहा है तुमको, मिला कि वो कलर रेड है, तो बैग वन सिलेक्ट होने का हाफ प्रोबेबिलिटी है, बैग टू सिलेक्ट होने का भी हाफ है, और बैग वन में से रेड आने का कितना है, 3/7 है, और बैग टू में से रेड आने का कितना है, 5/11 यस, है ना, 5/11। अब जो है तुमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग टू, गिवन है रेड, ये गिवन इवेंट है, और तुमसे ये पूछ गया है ना, ये पूछा गया, तो आंसर तो हमको यहाँ से निकाल देंगे कि रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी ये क्या होगी, ये हाफ इनटू 5/11 डिवाइडेड बाय हाफ इनटू 5/11 प्लस हाफ इनटू 3/7, है ना, ये यार होगा आंसर, है ना, हाफ इनटू 5/11 हाफ 3/7 हाफ 5/11, ठीक है ना, तो इसको कितना आ रहा सॉल्व करके, 35/68, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 35/68 हो गया। लेकिन अब बोर्ड में जो है ना, तुमको ऐसे तो नहीं करोगे, क्योंकि लैंग्वेज वाइज लिखना पड़ेगा तुमको हर चीज, ठीक है ना, तो लैंग्वेज वाइज जब लिखना पड़ेगा तो वो एक है, ठीक है ना, तो इससे तो आंसर तो बन जाएगा, लेकिन तुमको वो सारी चीजें लिख के दिखानी पड़ेगी कि जो जो मान रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सबको इवेंट मानो, तो एक इवेंट मानो ऐसा, ऐसे करके लिखना होगा, एक इवेंट मानो, इवेंट ऑफ, बस इसको अपना रफ में बना के ना, इसी से तुम वो बना लोगे, इवेंट ऑफ चूजिंग बैग वन, पहला बैग चूज करने को, बी जो है उसको मान लो इवेंट ऑफ चूजिंग बैग टू चूज करने का, ठीक है ना, ये हो गया, और एक सी मान लो इवेंट ऑफ, हमको कौन सी बॉल की बात करना है, इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, हमको रेड बॉल की बात करनी है, तो रेड बॉल का ये इवेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीनों लिख दिया। अब जो है तुम देन पी ए और पी बी दोनों बराबर होगा, क्योंकि भाई दोनों बॉल बैग सिलेक्ट कर, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, ठीक है ना, उसके बाद पी सी बाय ए, है ना, मतलब क्या हो गया, ए बैग सिलेक्ट हो चुका है, ए का मतलब बैग वन सिलेक्ट हो गया, बैग वन सिलेक्ट हो गया, अब तुमको सी को निकालना है, तो बैग वन सिलेक्ट हो गया, सी निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/7 हो गए, एंड पी सी बाय बी, बैग टू सिलेक्ट हो चुका है और फिर निकालना है, तो कितना होगा, 5/11, ये हो गया। नाउ अब हमको निकालना क्या है, निकालना क्या, पी क्या निकालना, बी बाय सी ना, हाँ पी बी बाय सी निकालना, पी बी बाय सी, पी बी बाय सी क्या है, ऐसे लिख भी दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग टू गिवन that
इट इज रेड, दिया हुआ है कि वो रेड है, बैग टू से निकल रहा होगा. तो ये जो है ना, यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा वहां पर कि यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम. बेस थ्योरम यूज करोगे और फिर लिखो होगा पी बी बाई सी इज इक्वल टू पी सी बाई बी इंटू पी बी डिवाइडेड बाय, और उस पे जाने के जितने स्टेप्स होंगे, इंटू पी बी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर पी ए इंटू पी सी बाय. ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है बोर्ड में ना, ये चीज बोर्ड में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन बैंक देखोगे ना तो हर साल एक क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा. और ये चीज लिखना बेस से होगा, ये लाइन लिखना पड़ेगा तुमको. उसका अपना सब वैल्यू पी सी बाई बी ऊपर लिख दिया है, सब रख दो तो हाफ इंटू पांच बटा ग्यारह प्लस हाफ इंटू पांच बटा ग्यारह प्लस हाफ इंटू तीन बटे सात, तो वही आ जाएगा अड़तीस बाय जो भी है पैंतीस बाय अड़सठ. समझे? समझ में? यस सर. ये होगा ठीक है ना. तो अपना एक बार ना एनसीईआरटी में से वो बनाओगे, हम तो दूसरा क्वेश्चन करा दे रहे, बाकी एनसीईआरटी बनाओगे. लेकिन वही चीज है कि पहले जो है ना, जैसे उसमें जो सॉल्यूशन है ना, पहले अगर वैसा सोचोगे ना लिखना कि ए बाय सी करके लिख ले, तो वहां पे हमेशा दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सा बाय करके किसको लिखे पहले. लेकिन अगर ये डायग्राम बना लोगे ना तो आइडिया लग जाएगा, और इसके बाद फिर ये फॉर्मुलेट करना तो आसान है ना. फिर तो उसी से इवेंट मान लो, एक ये इवेंट और फिर एक ये इवेंट मान के, अब ये सबका मतलब तुमको मालूम है कि ए हो चुका है, सी करना है, यानी ये हो चुका है, ये करना है, ये हो चुका है, ये करना है, मतलब ये वाला पार्ट आएगा. सब लिख के अपना फिर बाद में ये फॉर्मूला लिख के लिख दो, तो ये हो गया. अब रोशन करते हैं. पहले तो ये करो A man known to speak the truth. Three out of four times. He throws a dice. And reports that it is. And reports that it is a six. ठीक है ना. एक आदमी है, वो चार में से तीन बार सच बोलता है, और एक डाइस फेंका उसने और रिपोर्ट किया कि छह आया है. तो find the probability that it is actually a six. ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो सही में छह था. थ्री बाई एट हो जाएगा. Yes, sir. 3/8. Yes.
हाँ, एक आदमी है जो तीन में से चार बार सच बोलता है, ठीक है ना? A man is known to speak the truth 3 out of 4 times. और उसने एक डाइस फेंका है और बोला है कि रिपोर्ट किया कि 4 आया, 6 आया मतलब, है ना? तो एक्चुअली एक 6 होगा, ये बताना है तुमको, ठीक है ना? That it was actually 6, सही में एक 6 आया. तो ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर हम स्टार्ट करते हैं, ट्रूथ और नॉट ट्रूथ, है ना? नहीं, ट्रूथ और नॉट ट्रूथ पे जाओगे. यस सर. हाँ, मतलब वो इस पे होगा ना. पहला उसने डाइस थ्रो करेगा, है ना? एक डाइस थ्रो करेगा और उस डाइस पे क्या आएगा? 6 और नॉट 6, ऐसे भी कर सकते हैं. नॉन 6, है ना? ये आएगा और उसने क्या किया? रिपोर्ट किया कि 6 आया, ठीक है ना? उसने क्या किया? रिपोर्ट किया 6, यही होगा. अब एक डाइस जो है स्टार्ट करेंगे तो क्या किया? डाइस थ्रो किया पहले, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, नहीं आने का जगह 5/6, 6 आया और उसने रिपोर्ट किया, यानी सच बोला, सच बोलने का 3/4, यहाँ पे झूठ बोला 1/4, हो गया, है ना? अब तुमको यही सब लिखना पड़ेगा, पता है? इवेंट लेना पड़ेगा. इसको एक इवेंट ए लो, एक और बोर्ड में जैसे लिखते बता दिया, है ना? एक इवेंट ए मानोगे, ए मानोगे प्रोबेबिलिटी कि 6 हुआ है, है ना? तो पीए की वैल्यू 1/6 हो जाएगी. एक इवेंट बी मानो कि प्रोबेबिलिटी कि 6 आकर नहीं किया है, तो 5/6 हो गया. फिर तुम लिखोगे पी, ये पी सी बाय ए हो चुका है और उसने ये किया, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देना कि प्रोबेबिलिटी दैट मैन रिपोर्ट 6 एंड एक्चुअली इट केम 6, तो यानी उसने सच बोला है, सच बोला है तो यानी 3/4, ठीक है ना? वो जो तुमको अपना लिख देना पड़ेगा. तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये कितनी होगी? हमको क्या चाहिए था? इट इज एक्चुअली 6, तो यानी ये स्टेप चाहिए तुमको, है ना? तो ये स्टेप चाहिए, तो बेस थ्योरम लगा दो, तो ये स्टेप चाहिए, तो कितना होगा ऊपर? 1/6 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 3/4 प्लस उधर का स्टेप 5/6 इंटू 1/4, ठीक है ना? तो ऊपर 3 हो गया, नीचे होगा 3+5, 3/8 हो जाएगा आंसर. समझे? यस सर. ये हुआ. ठीक है ना? तो बाकी हाँ, ये चीज है कि बोर्ड में ना ऐसे लैंग्वेज फॉर्मुलेट करना, ये अपना बना होगा, फिर एबीसी इवेंट ले लेके सबको एक्सप्लेन कर दोगे, सबको एक्सप्लेन करके लिख लेना. एक बार ना एनसीईआरटी का वो 13.3 एक्सरसाइज जो है वो तो बना लेना. हम कल वो नहीं भेजे हैं क्या? बेस थ्योरम वाला नहीं भेजे हैं. अब एक ही क्वेश्चन करना. टू कार्ड्स टू कार्ड्स आर ड्रॉन 1/1. टू कार्ड्स आर ड्रॉन 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना? लिख देते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स. बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पता है? एडवांस में यही आता ही है. 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड्स होगा, उसमें से 2 कार्ड्स जो है ड्रॉ किया गया. प्रोबेबिलिटी डेट, ये बताना, प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, पहला ड्रॉन कार्ड किंग होगा, गिवन डेट सेकंड ड्रॉन कार्ड इज किंग, ये दिया हुआ है.
तो पहला ड्रॉन कार्ड जो है वो किंग होना चाहिए। सर ये कल सवाल करवाए हैं। नहीं ये नहीं, दूसरा था शायद। यही था, नहीं दूसरा था, देखो ना। अच्छा ये, हाँ ये तो करा दिया। हाँ ये तो वही गया था। पूरा लिखने के बाद जो है बोला लास्ट में कुछ चेंज होगा। नहीं ये करना, from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards one card is drawn, नहीं रुक जा, one card is lost, एक कार्ड खो गया। उसके बाद from remaining cards, बचे हुए कार्ड्स में ऑफ पैक टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। एक मिनट, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड, दोनों जगह तुमको डायमंड्स का मिला। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, दो पार्ट, पहला तो दोनों सेपरेट क्वेश्चन है, लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड, जो कार्ड खोया है वो डायमंड का होगा, और दूसरा लॉस्ट कार्ड इज ऑफ स्पेड्स या क्लब, जो भी ले लो इसका होगा। ये बनेगा, उसके बाद हम्म।
बना सर 156 अपॉन पहला 63 पहला 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 नहीं 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 क्या था कुछ लॉस्ट का डायमंड का होना चाहिए नहीं पहला दूसरा सेपरेट बनेगा कोई बनाए नहीं देखो अब पहले पार्ट में क्या होगा स्टार्ट किया तुमने ठीक है स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या होगा 52 कार्ड एक कार्ड खोएगा ठीक है ना तो एक कार्ड जब तुमसे खोएगा तो वो कार्ड क्या होगा लॉस्ट डायमंड कार्ड या नहीं तो लॉस्ट नहीं क्या बोले फिर से बोलने आवाज ही नहीं आ रही है 1/20 कुछ आवाज नहीं आ रही है 1/ पता नहीं कितना बोले 20 आवाज नहीं आ रही कट जा रहा नहीं आ रहा लेकिन जो मेरा शब्द बोला लिख ना ठीक है नहीं आ रहा आवाज पहला होगा कि लॉस्ट डायमंड कार्ड लॉस्ट नॉन डायमंड कार्ड पहले ये दोनों को होगा है ना अब उसका दो कार्ड ड्रॉ किया उसके बाद क्या है अगला बोथ डायमंड कार्ड बोथ डायमंड कार्ड्स मिला ठीक है ना तो अब पहला जो है डायमंड खोने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/13 नॉन डायमंड कितनी होगी उल्टा हो गया सॉरी ये तो होगा ना ये आ जाएगा 1/52 होगा मतलब सॉरी 13/52 है ना 52 जो है डायमंड कार्ड होता है एक कार्ड खो गया ना अब एक डायमंड खो चुका है तो अब दो डायमंड लेना तो कितना होगा 12 × 51 × 85 होगा बाकी डायमंड नहीं खोया तो कोई और खोया होगा तो डायमंड कितना बच जाएगा 13 × 12 अब आया स्क्रीन नहीं आ रहा अब आ गया तो कर दिया अब आ गया ना ठीक है तो ये कह रहे कि ये बना लिया तो डायमंड खोने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा पहला एक कार्ड लॉस्ट किया है ना एक कार्ड किया तो वो हो गया 13/52 और नॉन डायमंड के लिए कितना बचेगा 39/52 अब एक डायमंड हट चुका था अब उसमें बचेगा तुम्हारा 12 डायमंड तो दो डायमंड लेना है तो 12 × 11 / 51 50
है ना, 551 इनटू है, 51 इनटू 50, यहाँ पर डायमंड नहीं खोया तो डायमंड 13 का 13 है, 13 इनटू 12 बाय 51 इनटू 50 हो गया। अब जो है हमको क्या लेना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसमें क्या चाहिए तुमको, लॉस्ट कार्ड डायमंड का होना चाहिए, ये स्टेप है ना, कि लॉस्ट कार्ड जो है वो किसका होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए, तो लॉस्ट का मतलब ये स्टेप, ये स्टेप लिखोगे तो इसका ऊपर ले लो 13 बाय 52 12 इंटू 11 बाय 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, ये नहीं किया, ये आ जाएगा आंसर, और क्या 13 बाय 1 12 11 बाय 51 50 प्लस उधर से 39 13 12 52 51 50, तो ये तीनों तो कट जाएगा, 12 12 12 भी कट जाएगा, 12 12 12 भी कट जाएगा, 13 भी कट जाएगा, 13 13 13 भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा 11 और नीचे क्या रहेगा 39 प्लस 50 जाएगा, ठीक है 11/50। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, समझे, पहले ये क्या ना कि मेनली जो है ना तुमको ये डायग्राम जो बनाना है ना, ट्री डायग्राम वो बनाना है, पहला पार्ट अलग है क्वेश्चन का कि लॉस्ट कार्ड जो है डायमंड का होना चाहिए, मतलब क्या 52 कार्ड के पैसे एक आवन में से तुमने क्या किया, दो कार्ड निकाला, तो दोनों कार्ड तुमको क्या मिला, डायमंड मिला, तो तुमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड खोया है वो कार्ड डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड, ठीक है ना, जो कार्ड खोया है वो डायमंड का होगा, हम क्या करेंगे, स्टार्ट किया, सबसे पहले एक कार्ड खोएगा तो वो कार्ड क्या होना चाहिए, यहाँ कंडीशन बस डायमंड पे है तो वो कार्ड डायमंड का है, खो दिया डायमंड का कार्ड, या तो डायमंड का नहीं खोया, डायमंड के कार्ड खोने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13/52, और नॉन डायमंड की कितनी होगी 39/52, ये होगा। अब अगर डायमंड कार्ड खो गया है तब फिर से अगले स्टेप, दो डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12 11 बाय 51 50 होगा, ये समझ ना, बचा कितना डायमंड, 12 डायमंड बचा है तो 12 और अलग 11 बाय, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट तुमको विदाउट रिप्लेसमेंट ही लेना है, डायमंड तो नहीं खोया तो डायमंड तो 13 रहेगा, 13/51 हो गया, रिक्वायर्ड क्या है, लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ये तुम्हारा गिवन है और इसको टारगेट करना है, ये दिया हुआ है इसको टारगेट करना, तो क्या लगेगा, बेस लगेगा, गिवन है वो नीचे है, तो ये दिया हुआ है इसको टारगेट करना है, जिसको टारगेट करना है आएगा, हेलो, यस सर, कभी कभी फट जा रहा है आवाज भी कभी कभी, हाँ अभी ठीक है ना, सेकंड का कितना आ रहा है, सेकंड बनो, सेकंड लिख लिया ना कि लॉस्ट कार्ड का होना चाहिए,
लॉस कार्ड कोई कलर का मतलब अदर तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गया फोन लगता है ना कर दिया हेलो 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 सेकंड का कितना आ रहा बोलो मन नहीं देखो स्पेड का होना चाहिए लॉस्ट कार्ड जो है वो स्पेड हो रहा है तो क्या होगा कोई भी बना है सर 39/51 नहीं होगा और कोई 13/50 13/50 हाँ ये होगा एक्चुअली
दो टाइप से कोई बना सकता है, एक तो ये स्टेप लिख दे और इसको वन बाय थर्ड कर दे, नहीं समझे? ये स्टेप लिख के उसको वन बाय थर्ड कर दे तो 39/50 का वन बाय थर्ड हो जाएगा, क्योंकि तीन कार्ड मिल के हो रहा ना, और नहीं तो ऐसे स्टार्ट किया, लॉस्ट कर दो डायमंड को, फिर लॉस्ट क्या है, स्पेड है, लॉस्ट स्पेड छोड़ के कौन सा बचा है, हार्ट्स और कौन सा क्लब सा, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर तुमको मिलेगा बहुत डायमंड कार्ड्स, दोनों डायमंड मिला, तो डायमंड अगर खोया है तो डायमंड खोने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 13/52, स्पेड खोने की भी कितनी है, ये इसको खोने की कितनी है, 26/52, दोनों डायमंड खोया है तो कितना होगा, 12/11, 51/50 है ना, यहाँ पर क्या होगा, 13/12, 51/50, इसमें भी वही होगा, 13/12, 51/50, ठीक है। अब जो लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, हमको कौन सा स्टेप चाहिए, ये वाला कि स्पेड खोया हो, ठीक है ना, तो स्पेड खोने का मतलब ये चाहिए, तो ये हो जाएगा 13/52 × 13/12, 51/50, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा 13 × 12/52, 51/50 प्लस उधर से 13/12, 51/51, 50 और प्लस लास्ट वाला कितना है, 26 × 13 × 12/52, 51/51, 50, ये हो जाएगा। तो ये तीनों यहाँ से कट गया, 12/12/12 भी कट रहा, 13/13/13 भी कट गया, 13/12, 13/12, 13/12, 13/12, तो ऊपर रह जाएगा 13 और नीचे रह जाएगा 13 + 11 + 26, तो that will be equal to 13/50, आगे आंसर होगा, समझे? 1/3 वाला क्या बोल रहे थे, 1/3 इसलिए ये कह रहे थे कि अगर ये बना लिए तो तुमने ये वाला स्टेप निकाल दो, ये वाला स्टेप, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास तीन चीज आएगी ना, इसमें तीन चीज आएगी, लॉस्ट क्या करोगे, या तो स्पेड होगा, या नहीं तो लॉस्ट क्लब होगा, या नहीं तो लॉस्ट हर्ट होगा, हमको इसमें से एक चाहिए ना स्पेड, तो जो आएगा उसको 1/3 कर दो, तो जब ये स्टेप निकालोगे तो ये आएगा 39/50, इसका 1/3 कर दो, वही आंसर होगा, ठीक है ना? यस। अब इसमें से बनाओ पहला, पहला बॉक्स वन कंटेन 5 red 5 white ball है, व्हाइल बॉक्स टू कंटेन्स इतना है, ए फेयर डाई इज थ्रोन, ठीक है ना, टर्न्स अप ए मल्टीपल ऑफ 3, ये सब दिया हुआ, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्वेश्चन सब तो समझ ही रहा हो गया सर, थोड़ा सा ऊपर करिए ना, ठीक है।
यस सर हो गया। अदब बनो। पहला हो गया। अब भाई इसमें दिक्कत ही होगा ना, बोर्ड में आया तो भाई ये चीज देख के वो एबीसी वाला लिखना था मुश्किल ना, चार्ट बन ये थ्री डायग्राम बनाओगे तो दिख जाएगा आराम से, उसके बाद तो फॉर्मुलेट कर दो वो चीज। मेंस में एडवांस सब में आता है क्वेश्चन दे टाइप का। पहला हो गया। जल्दी जल्दी करो। पहले में ये हो गया। ये है ये ठीक है ना, पहला बॉक्स है, स्क्रीन दिख रहा है ना, दूसरा बॉक्स है इसमें पांच रेड है और चार वाइट बॉल है, इसमें क्या है चार रेड है और दो वाइट बॉल्स है ठीक है। इफ ए डाई इज थ्रोन, एक फेयर डाई थ्रो किया, इफ ए टर्न्स ऑफ ए मल्टीपल ऑफ थ्री, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन एल्स बॉक्स इज ड्रॉन फ्रॉम बॉल टू, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट ठीक है। अब यहां से तुमने स्टार्ट किया तो या तो बैग वन सेलेक्ट होगा या नहीं तो बैग टू सेलेक्ट होगा है ना, और हमको निकालना किसका है वाइट होने का, यही है बॉल जो है ड्रॉन बॉल वाइट हो जाए, यही चीज है ना। तो पहला बैग सेलेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तीन का मल्टीपल आएगा तब सेलेक्ट होगा तो 2/6 होगा, और बैग टू होने का क्या है 4/6 होगा ठीक है ना। और अगर बैग वन सिलेक्ट हुआ है तो बैग वन में से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/9, बैग टू में से व्हाइट आने का कितना होगा 2/6, समझ गए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी तुम्हारी व्हाइट आनी चाहिए बस, तो वो तो पीसी हो गया ना, तो यानी नीचे वाला स्टेप पूरा लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 2/6 इंटू 4/9 प्लस 4/6 इंटू 2/6 ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इससे काटे 9 × 3 = 27, 2 × 3 = 6 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 36, 9 × 72 108 करना पड़ जाएगा ठीक है, 2 × 3 = 6 × 4/27 और प्लस यहाँ से कह देते हैं 2 × 3 = 3 × 2 = 9 10/27 आ जाता है, ये भी वही आ रहा है, ये 6 हो जाएगा ऊपर क्या टोटल सॉल्व करके 10/27 हाँ मतलब ठीक है कर लेना, ये आएगा 6/27 तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10/27 आंसर ठीक है ना। पहला
सर कहीं कहीं ये चार्ट बनाने में सर जैसे वहाँ पे सर स्टार्ट करके सर मल्टीपल ऑफ थ्री और नॉन मल्टीपल ऑफ थ्री ले लिए और तभी व्हाइट के सर तभी आ गया। हाँ तो तुम वही लिए ना कि मल्टीपल ऑफ थ्री आएगा तो पहले बैग से निकालोगे, मल्टीपल ऑफ टू आएगा तो बैग टू से निकालोगे, अगर वो नहीं आया तो तुमने किया तो वही चीज है। यस सर, सिर्फ बैग वन बैग टू नहीं लिखे वही चीज। हाँ बैग वन बैग टू नहीं लिखे लेकिन किया तो वही है ना जो होना चाहिए था इसीलिए आ गया। दूसरा जैसे कार्ड्स ऑफ एन ऑर्डिनरी डेक, कार्ड्स ऑफ एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स आर प्लेस्ड इनटू टू हीप्स, दो हीप में रखा गया, एक हीप में रेड कार्ड है दूसरे में ब्लैक कार्ड है, एक हीप इज चूजन एट रैंडम प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज ऑफ किंग। ये तो आसान है ना, दो हीप है ना, तो हीप वन सिलेक्ट होगा या हीप टू सिलेक्ट होगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या आएगा, किंग आएगा, यही होगा ना। तो हीप वन सिलेक्ट होने का कितना होगा, हाफ होगा, दोनों हीप सिलेक्ट होने का हाफ हाफ होगा, और हीप वन में से किंग आएगा तो कितना होगा, 2/26 यही हो जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ इंटू 2/26 प्लस हाफ इंटू, बस किंग ही तो लाना है तुमको, बेस वेस थोड़ी लग रहा, गिवन तो कुछ है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 1/13 ठीक है ना, 1/26 1/2/26 ठीक है ना। थर्ड बनाओ, क्वेश्चन इतना लंबा है लेकिन सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है। बस बोर्ड में क्या होगा, अब तुमको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी वो इवेंट मान मान के, बोर्ड में बस वही होगा इवेंट मान मान के लिखोगे कि एक इवेंट ए मान लो कि हीप वन सिलेक्ट हुआ, एक इवेंट बी मान लो कि हीप टू सिलेक्ट हुआ, फिर एक इवेंट मानोगे सी जिसमें किंग सिलेक्ट होगा, उसके बाद फिर ये चीज लिखोगे ऐसे, पी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी, फिर इसको लिखोगे पी ए इंटू पी सी बाई एस करके, प्लस मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा के ये कहलाता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, फिर यहाँ लिखोगे पी बी इंटू पी सी बाई बी, ये फॉर्मूला ये स्टेप तुमको लिखना पड़ेगा बोर्ड में, समझ है ना ये चीज। जैसे यहाँ पर भी लिखोगे ऊपर एक में हम लिख देते हैं, तो अगर इसको एक इवेंट ए माना, इसको इवेंट बी माना, इसको इवेंट सी माना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा, और इसको आप लिखोगे पी ए इंटू पी सी बाय पी बी इंटू पी सी बाय बी, ठीक है ना, ये लिखोगे और उसके बाद ये स्टेप लिखोगे बोर्ड में, बस इतना और करना, और इससे ऊपर जो अपना इवेंट सबको मान लोगे कि ए जो है तुम्हारा इवेंट है चूजिंग रेड बॉल ग्रीन बॉल, जो जो है एक इवेंट ए है जो बैग वन सिलेक्ट हुआ, इवेंट बी है जिससे बैग टू सिलेक्ट हुआ, इवेंट सी है जिससे वाइट हुआ, और ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बस, एक आग डेढ़ नंबर उस पे होता है। थर्ड में टू अर्न्स है, दो झोला है जिसमें एक में क्या है, दो रेड तीन ब्लैक है, दो में दूसरे में इतना है, एक अर्न इज सिलेक्टेड एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट इज वांट टू बी रेड प्रोबेबिलिटी दैट अर्न वन इज सिलेक्टेड, ये भी आसान है, बन गया Yes. ना चौथा करो, उस पर तो भेजा ही है ना क्वेश्चन, देर आर टू अर्न्स ठीक है ना, दो अर्न है पहला अर्न है दूसरा अर्न है ठीक है, पहले झोले में क्या है, दो रेड है तीन ब्लैक है, दो रेड है तीन ब्लैक है, दूसरे में क्या है, तीन रेड चार ब्लैक है, तीन रेड चार ब्लैक है, एंड अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, स्टार्ट करोगे तो एक अर्न सिलेक्ट होगा, या तो पहला होगा है ना अर्न वन सिलेक्टेड, अर्न टू सिलेक्टेड, अर्न वन है, एक बॉल इसमें से ड्रॉ करो है ना, एक बॉल ड्रॉ करोगे इट इज फाउंड टू बी रेड, ये बॉल रेड आ गया, ये गिवन हो गया कि रेड आया है,
तब तुमको बताना क्या है, अर्न वन इज सिलेक्टेड, ये सिलेक्ट होगा ये बताना है, बस यही क्वेश्चन है, हो गया। तो अर्न वन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, अर्न टू की भी प्रोबेबिलिटी हाफ। अर्न वन सिलेक्ट हुआ है और उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, इसमें से अर्न टू में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अर्न वन सिलेक्ट होना चाहिए तो हाफ इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 2/5 प्लस हाफ इंटू 3/7, ठीक है ना। तो हाफ हाफ तो कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/5, नीचे हो जाएगा 35 और 14 और प्लस 14 5 15 बाय 35, तो 35 ऊपर 7 देना 14 बाय 29, क्या आंसर समझे। Fourth, a pack is counted with face downwards. It is found that one card is missing. One card is drawn and it is found to be red. Missing card red होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन तो करा दिया ना, ठीक है ना। वहाँ पे दो कार्ड था, यहाँ पे एक ही कार्ड की बात करनी है। स्टार्ट करोगे उसके बाद फिर pack counted face downwards. एक कार्ड मिसिंग है तो मिस क्या होना चाहिए, रेड कार्ड, मिस रेड कार्ड, नॉन रेड कार्ड, ठीक है ना। एक वन कार्ड इज मिसिंग, ड्रॉन कार्ड रेड है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट उसके फाउंड क्या क्या, वन कार्ड इज ड्रॉन अभी तो है रेड मिला तुमको, तो रेड खोने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एक रेड कार्ड खो दिया होगा, कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, जल्दी जल्दी बोलो, 26/52 ये होगा, ये हो गया। अब एक कार्ड रेड खो दिया है तो अब बचा कितना रेड कार्ड, 25 ही बचा ना, 25/51, एक रेड नहीं खोया है तो कितना होगा, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तुमको क्या चाहिए, रेड कार्ड मिस करना चाहिए ना, मिसिंग कार्ड इज रेड, तो रेड कितना होगा, हाफ इंटू 25/51 बाय हाफ इंटू 25/51 प्लस हाफ इंटू 26/51, तो ऊपर रह जाएगा 25 और नीचे रह जाएगा 25 प्लस 26, तो दैट इज 25 बाय, आगे आंसर। उसके बाद फिफ्थ में ठीक है, दस नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ एक दोनों बनो। फिफ्थ में क्या है, पॉल्स गार्डनर इज नॉट डिपेंडेबल, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फॉरगेट टू विदड्रॉ वाटर द रोज बुश इज 2/3, रोज बुश इज इन क्वेश्चनेबल कंडीशन, क्वेश्चनेबल कंडीशन, इफ वाटर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स विदरिंग इज हाफ, if not watered the probability of its withering is 3/4, Paul went out of a station and upon returning he finds that rose bush has withered, what is the probability that gardener did not water the bush, ye bano sir thoda niche kariye na
है ना, लिख लेना अगला ये क्वेश्चन। बन गया बना। यस और क्वेश्चन भेजें ग्रुप पे बनाओगे जो उसने डाउट होगा ना उसको खाली डिस्कस करेंगे। ये बेस थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी में इसी से क्वेश्चन, मतलब 90% चांस में तो इसी से आता ही है। देखो क्वेश्चन ग्रुप पे ना
क्या कह रहा है कि पाल्स गार्डनर इज नॉट डिपेंडेबल प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फॉरगेट टू वाटर द रोज बुश पाल्स का गार्डनर अच्छा ही फॉरगेट टू वाटर द रोज बुश इज 2/3 रोज बुश इज इन क्वेश्चनेबल कंडीशन इफ वाटर्ड प्रॉपर्ली if watered probability of its withering is half if not watered the probability of its withering is 3/4 to aasan to hai matlab yahan par jab start karoge to sabse pehle kya hoga kya banega sabse pehle watered or not watered और फिर क्या हो जाएगा नहीं होगा ना yes. तो अगर वाटर करने की प्रोबेबिलिटी डेट क्या है ही फॉरगेट टू वाटर द रोज बुश पानी नहीं देने का 2/3 है तो देने का कितना हो जाएगा 1/3 होगा इफ वाटर्ड अगर पानी दिया है तो वेटर होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और अगर नहीं दिया है तो कितना हो जाएगा 3/4 है ना तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गार्डनर डिड नॉट वाटर द बुश मतलब ये स्टेप हमको निकालना है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये वाला स्टेप लिख दो 2/3 × 3/4 डिवाइडेड बाय 1/3 × 1/2 प्लस 2/3 × 3/4 तो 6 डिवाइडेड बाय कैसे हो गया गलत हो गया क्या रुक जाओ 6 डिवाइडेड बाय 3 × 6 = 12 2 होगा ना यहाँ पर और यहाँ पर 6 आ जाएगा 6/8 तो 2 × 3/4 हो गया आंसर आ गया बस उतना लंबा क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन तो सिंपल ही है ना ठीक है अब अगला जो है अगले में क्या कह रहा है कि एक एग्जामिनर होगा एक स्टूडेंट क्या है ऐसे ही कुछ ठीक है ना ये हो गया अब सिक्स्थ में क्या कह रहे हैं कि इन एन एग्जाम स्टूडेंट एक स्टूडेंट है उसको सिर्फ 3 ही काम आता है आइदर नोज या तो आंसर उसको पता होगा या गेस करता है या कॉपी करता है ठीक है ना नोज गेस या कॉपीज द आंसर टू ए क्वेश्चन नहीं दिया है कि कैसा होगा दिया है क्या इन एन एग्जाम प्रोबेबिलिटी गेसेस की दिया है कॉपी कर दिया आंसर इज करेक्ट गिवन कॉपीज प्रोबेबिलिटी नोज द आंसर गिवन द आंसर इज हां ठीक आगे लिखा है द क्वेश्चन इज 4 ऑप्शंस विद ओनली 1 करेक्ट है ना ये दिया हुआ है ठीक है सही है बन गया ये बना जल्दी जल्दी एक मिनट क्वेश्चन दिखा दी
बन गया यस 30/37 ठीक है ना। तो देखो एक आदमी है स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहा तो स्टार्ट करेंगे तो उसको तीन ही काम आ रहा या तो मालूम होगा गैस करेगा ये कॉपीज करेगा ठीक है ना। तीन ही काम उसको आता है प्रोबेबिलिटी दैट गिवन क्या है कि उसका आंसर सही है ठीक है ना। उसने क्या किया करेक्ट आंसर है उसका उसका आंसर तो करेक्ट है तब करेक्ट आंसर है तो ये हो गया। और क्या क्या गिवन है गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है कॉपी करने की 1/6 है तो उसको मालूम होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हाफ ये होगी तो ये हो जाएगा तो यानी हाफ हो गई कि उसको मालूम होगा। अब अगर उसको मालूम है आंसर तो वो और करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/1 तुमको पता ही है कि यही आंसर प्रोबेबिलिटी क्या वो तो श्योर इवेंट हो गया गेस करोगे तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना। और कॉपी करके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ 1/6 हो गया और क्या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कौन सा स्टेप लिखना है क्या पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर आंसर उसको मालूम होना चाहिए यानी ये स्टेप लिखना हमको स्टेप लिखना है तो क्या होगा हाफ इनटू 1 डिवाइडेड बाय हाफ इनटू 1 प्लस 1/3 इनटू 1/4 प्लस 1/6 इनटू 1/6 ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा ऊपर तो 18 कर देते हैं सर 1/5 है कौन सा सर प्रोबेबिलिटी की चीटिंग करके करेक्ट आंसर ले ले। अच्छा कॉपी में करेक्ट होने का 1/5 ही है तो, ये हो जाएगा ठीक है ना। तो बस ये इसी को सॉल्व कर लो तो एलसीएम कितना होगा 4 × 12 = 30 30 60 तो 60 हो जाएगा तो 60 का आधा चला जाएगा ऊपर 30 और नीचे 60 तो 60 पर से हो जाएगा ये 30 अब 12 × 25 = 60 और 6 × 25 = 30 चाहते 12 × 25 = 60 2 पर से हाफ 60 लिया है ना एलसीएम नीचे का 6 × 30 और 12 = 60 लिया तो 60 लिया तो 60 लिया ना तब ये 30 आया था और ये 5 आया और ये 2 होगा तो ये आ जाएगा 30/37 हो गया समझे सर। उसका 1 कैसे हुआ 1 अगर तुमको आंसर मालूम होगा तब तो ऑब्वियसली सही है ना। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मालूम है लेकिन वो गलत हो
अब तो तुमको फिर मालूम कहाँ हुआ वो, फिर तो तुमको मालूम ही नहीं हुआ ना। यस सर। अगर तुमको आंसर मालूम है तो वो ऑब्वियस है, सही है। अगर तुमको आंसर मालूम है तो वो क्या है, ऑब्वियसली सही आंसर है, ठीक है ना। अगर नहीं मालूम होगा तो वो तो फिर तो गलत ही है ना। ये हुआ यार। और सर 1/4 कैसे आया गेस करके करेक्ट का? गेस किया है तो चार मल्टीपल क्वेश्चन है ना, चार चॉइस है तो तुम चार में से एक गेस करोगे तो 4c1 डिवाइडेड बाय टोटल चार है, एनी माइनस चार मल्टीपल क्वेश्चन जिसका एक ही सही आंसर है, ये है ना कि क्वेश्चन है 4 options विद ओनली 1 करेक्ट, एक सही है तो चार में से एक सही है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी ना। अब एक ये बनो पेपर्स, पर्स कंटेन्स 4 coins, चार कॉइन्स है विच आर इधर 5 rupee coins और 1 rupee coins, 1 rupee coins, 1 rupee coins, 2 coins are drawn, 2 coins are drawn and found to be 1 rupee coins, 1 rupee coins, and if these are replaced, what is the chance that another drawing will give a 5 rupee coin? ये निकालो। रिप्लेस मतलब सर वो वापस कॉइन उसमें रख देता है, वापस उसमें रख दिया गया।
सर कितना 5 रुपये और कितना 1 रुपये होगा ये कैश देना पड़ेगा? ये तो गिवन ही नहीं है, बस उसके बैग में जो है एक पर्स है, एक लेडी के पास कोई पर्स होगा जिसमें 4 कॉइन है, ठीक है ना, या तो चारों का चारों 5 रुपए का सिक्का होगा या नहीं तो चारों 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है ना, 2 कॉइन निकाला तुमने और दोनों तुमको 1 रुपए का सिक्का दिखा, ठीक है ना, वापस उसको उठा के बैग में डाल दिया, वापस जो है उन दोनों सिक्के को बैग में डाल दिया, अब अगला फिर से ड्रॉ किया है, तब बताना है कि नेक्स्ट ड्रॉ में 5 रुपए का सिक्का आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तीन बाई 32 सर ऐसे ही नहीं करेंगे कि एक तो 1 रुपए का कॉइन है ही, तो 3-5 का हो सकता है या 2-5 का या 1-5 का। नहीं ठीक है, देखो अब जब तुम स्टार्ट करोगे तो ए पर्स कंटेन्स 4 कॉइन्स विच आर इधर 5 रुपीज कॉइन्स है और नहीं तो, ठीक है ना, विच आर इधर 5 रुपीज कॉइन्स, अब उसमें क्या है कि 4 कॉइन्स है विच आर इधर या तो 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का है, 2 कॉइन्स आर ड्रॉन विच आर फाउंड टू बी 1 रुपीज कॉइन्स, ठीक है ना, इफ दीज आर रिप्लेस्ड व्हाट इज द चांस दैट अनदर ड्रॉइंग विल गिव ए 5 रुपी कॉइन, दूसरा ड्रॉ जो करोगे उसमें 5 रुपए का सिक्का आना चाहिए, ठीक है ना, ये है पूरा। तो देखो एक पर्स में, ठीक है ना, एक पर्स में 4 कॉइन्स है, या तो जो 5 रुपए का सिक्का है या नहीं तो जो है क्या कह रहा ना, अच्छा हाँ मतलब उसमें ये नहीं है, ऐसा क्वेश्चन होगा क्योंकि उसके बाद तो केस ही नहीं बनेगा, विच आर इधर 5 रुपीज और 1 रुपीज, यही दो ही चीज होगी, तो तुम्हारे पास स्टार्ट करोगे तो बेसिकली जो तुम्हारा पर्स होगा, पर्स में क्या होगा, ऐसा पर्स है, चारों जो है 5 रुपीज कॉइन है, ये होगा ऐसा केस है, 3 जो है वो 5 रुपये कॉइन है और 1 तो जो बच जाएगा वो है फिर 1 रुपी कॉइन होगा, और फिर अगला केस हो जाएगा 2 जो है वो 5 रुपये का सिक्का है और 2 जो है वो 1 रुपये का सिक्का होगा, और नहीं तो पर्स में 1 5 रुपए का सिक्का है और 3 1 रुपए का सिक्का है, और अगला केस हो सकता है 0 5 रुपए का सिक्का है और 4 1 रुपए का सिक्का है, ये केस होगा पर्स में, ठीक है ना, पर्स में दो ही डिनोमिनेशन है, हाँ ये कह रहा पहला केस तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि पहला कॉइन तो 1 रुपया है ही,
हाँ तो जीरो ले लेंगे ना, चारों तो हम जीरो ले लेंगे। अच्छा हाँ वही वो तो हम जीरो ले लेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी फिर जीरो कर देंगे हम, सब केस लिख दिए ना। अब कह रहा ये है मेरे पास, अब जो है ये बैग है और इसमें इतनी चीजें हैं। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या हो रहा है, ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट तो ऊपर से करेंगे ना, मान लिया स्टार्ट किया तो ये केस होगा, ये केस होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो भाई बैग है, अलग अलग केस है, तो स्टार्ट करने पे हमको क्या मिला है, दो कॉइन ड्रॉ किया तो टू, मतलब यहां पर हमको क्या मिल रहा है, टू वन रुपीज, है ना। इधर भी क्या मिलेगा, टू वन रुपीज कॉइन। इधर भी क्या मिलेगा, दो ठो एक रुपए का सिक्का। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, दो ठो एक रुपए का सिक्का। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, दो ठो एक रुपए का सिक्का। यही मिलेगा, yes, है कि नहीं, दो ठो एक रुपए का सिक्का। तो भाई यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, एक रुपए का सिक्का है नहीं, तुमको मिलेगा कहाँ से, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ये होगा यहाँ पर, yes, sir. यहाँ पे कितना होगा, इसमें क्या है कि दो कॉइन ड्रॉ कर रहा है ना, दो कॉइन ड्रॉ कर रहा, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, दो कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं का दो ही है, ये एक रुपए का दो सिक्का है, तो दोनों का दोनों ले लो, सी टू डिवाइडेड बाय फोर सी टू ना, यस, चार में से दो सिक्का लोगे ना, तो ये आएगा वन बाय सिक्स, ठीक है ना। और ये कितना होगा, थ्री सी टू डिवाइडेड फोर टू, तो ये आ जाएगा हाफ। और ये जब चारों एक रुपए का सिक्का है उसमें से दो लेना है तो कितना होगा, जब सब एक ही रुपए का सिक्का है तो दोनों जगह वही आना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो वन हो गया, वन हो गया, ठीक है ना, श्योर इवेंट है ना, तो दोनों वही आना ही है, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि वापस उसको पुट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो अब जब वापस पुट कर दिया तो अब अगली में तुमको क्या लेना है कि लेना है रिप्लेस व्हाट इज अनदर ड्रॉइंग विल गिव अस पॉइंट्स, ठीक है ना। Another draw में जो है पांच रुपए का सिक्का आना चाहिए, तो पहला दोनों तो जीरो है तो उससे हमको कोई मतलब तो होगा नहीं, ठीक है ना, पहला दोनों तो जीरो है। अब यहाँ पे पांच रुपए का एक भी सिक्का नहीं है, तो एक भी सिक्का नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। पांच रुपए का एक सिक्का है, अब एक कॉइन निकाल रहे हैं तो कि दो निकाल रहे, यही इसमें जो ना सही से नहीं है। Another में कितना निकाल रहे, एक ही निकाल रहे शायद, will give if five rupees coin है, तो मतलब वही चीज क्वेश्चन के स्टेटमेंट से, ए ही five rupees coin है ना, हाँ जब ए लिखा है तो अब इसमें दो चीजों की दिक्कत आ गई ना, ए five rupees coin मतलब एक ही सिक्का निकाल रहे होंगे पता है, क्योंकि ए लिख दिया ना तो एक ही सिक्का निकाल रहे, तो ये हो जाएगा जीरो, है कि नहीं, एक पांच रुपए का सिक्का, तो पांच रुपए का सिक्का है नहीं तो एक तो निकलेगा कहां से, इसमें एक है तो एक और डिवाइड बाय चार, ठीक है ना। और इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, वन बाय कितना है, दो तो पांच रुपए का सिक्का है, टू सी वन डिवाइडेड बाय फोर सी वन, ये आ जाएगा हाफ, वन बाय टू, तो हाफ इनटू वन, यही काम तो फर्स्ट स्टेप में भी तो कर सकते थे, तो फिर दो रुपए का डालना और निकालने का क्या मतलब,
मतलब एक रुपए का सिक्का हाँ, निकाले तो... और फिर डाले सर ये पांच रुपया जो निकाल रहे हैं दूसरी बार में ये तो सर पहली बार में भी कर सकते थे तो फिर एक रुपए का निकालने और डालने का क्या मतलब हुआ एक रुपए का निकालने डालने का मतलब ये हो गया ना कि उसके बाद फिर क्या है कि एक पर्स में इतना था इधर दिस है दो कॉइंस आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी इतना दीज आर रिप्लेस्ड इसको रिप्लेस कर दिया लिखा नहीं है ना कि रिप्लेस्ड व्हाट इज इफ दीज आर रिप्लेस्ड मतलब वापस इसमें डाल दिया विद रिप्लेसमेंट है और क्या रिप्लेसमेंट है तो ये स्टेप तुम कर रहे हो ना गिवन स्टेप ये है ना उसको वापस इसमें रख दिया सैंपल स्पेस नहीं चेंज किया तो सर हम लोग डायरेक्ट भी तो सिर्फ पांच रुपए का कॉइन निकाल सकते थे ना वन को डालने और निकालने का मतलब नहीं ना तो नहीं नहीं वो जब बोल दिया क्वेश्चन में कि पहला स्टेप तो यही कर रहे थे पहला स्टेप तो ये कर रहे ना ठीक है ना पहला स्टेप तो ये कर रहे हैं तब जाके ये आएगा पहले स्टेप को दूसरे स्टेप से क्या मतलब है पहले स्टेप को दूसरे स्टेप से पहले मतलब है ना कि जब तुम कोई काम कर रहे हो तो पहले कुछ कर दिया और उसके बाद जाके दूसरा काम कर रहा तो प्रोबेबिलिटी बदलेगी ना इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगा ना समझे तब वो मल्टीप्लाई होगा समझे तब जो आके वो क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा समझे तो ये चीज है ठीक है ना अब इसमें से क्या है कि दो पांच रुपए का सिक्का या इसमें से कहाँ गया तो पहला तो ये जीरो हो गया इसमें अब पांच रुपए का सिक्का है अब पांच रुपए का सिक्का है पांच में से तुम आगे क्या एक रुपए का जीरो सिक्का तो पांच रुपए के सिक्के में से पांच रुपए का सिक्का ले लोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी ठीक है ना ये तो कर दिया ना जैसे कि ये कह रहा है ना कि ये जो है इफ दीज आर रिप्लेस्ड व्हाट इज द चांस दैट अनदर ड्राइंग विल गिव ए 5 रुपीस कॉइन दूसरा जो ड्रॉ कर रहा हो ना उसमें 5 रुपए का सिक्का आना चाहिए तो दूसरा ड्रॉ में जो 5 रुपए का सिक्का आएगा तो ये सारे जो ड्रॉ होंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जैसे एक तीन स्टेप हुआ ठीक है ना ये तो जीरो हो जाएगा अब इसमें अगर 5 रुपए का सिक्का लेंगे तो कितना होगा 5 रुपए का सिक्का है ही नहीं इसमें तो ये तो जीरो हो जाएगा 1 रुपए का सिक्का 1 है ठीक है ना तो एक है तो डिवाइड बाय कितना होगा ये वन बाय सिक्स हो जाएगा ना और ये वाली वैल्यू कितनी होगी जीरो और ये कितना होगा टू है वन है तो टू सी टू तो ले लिया था और ये हो जाएगा वन बाय सिक्स और इसमें से एक 5 रुपए का सिक्का कह रहे हैं another chance that another drawing will give a 5 rupees ab another mein kitna coins 2 coins are drawn and found to be phir se do hi sikka nikal rahe hai pata hai do mein se ek 5 rupees ka sikka hoga isme ho jayega ek 5 rupees ka sikka आयरन तो एक बार कम बताए कल ठीक है इसमें लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है देखना पड़ेगा एक बार ठीक है ना तो सर दो ड्रॉ करेंगे इस बार में भी इसमें दो चीज क्लियर नहीं आ रहा है ना कि एक तो ये है कि दो कॉइन्स को तो ड्रॉ कर रहे हैं एक रुपए का सिक्का मिला उसको वापस जो पुट कर दे रहे तो वापस तो ये बैग वैसे ही फुल हो जा रहा ठीक है ना ऐसा तो क्वेश्चन होता है कि निकाला उसको देख लिया देख के वापस रख दिया ठीक है ना दो कॉइन्स ड्रॉ किया और दोनों क्या मिला तुमको एक रुपए का सिक्का मिला तो जब दोनों एक रुपए का सिक्का मिला वापस रख दिया तो ये तो वही चीज हो जाएगा अब इसमें से फिर से निकाल रहे हैं तो एक 5 रुपए का सिक्का मिलना चाहिए
तो वो ड्रॉ कितना कर रहा है, दो ही कॉइन ड्रॉ कर रहे, एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे बदल सकता है ना कि दो कॉइन ड्रॉ करेंगे तो बदल जाएगा, एक कॉइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ और होगा, समझे? चल तो देखते हैं कल बता देंगे, ठीक है? बाकी और बेस थ्योरम का बनाओगा, ये सिंपल बेस पे तो ना, ये कंडीशनल लग रहा है, ठीक है ना? हाँ सर, जो आप शुरू में 13 क्वेश्चंस भेजे थे सर लिख के, सर वो एक दो क्वेश्चन क्लियर नहीं था। हाँ वो सब करा दे रहे थे, जरूरत नहीं उसका, ठीक है ना? उसमें मतलब वो हम फिर से कराएंगे, वो लिख के फिर से भेजेंगे साफ से, उसमें नहीं आ रहा है वो सही से। ये सर कुछ कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि फोल्ड है तो वहाँ पे भी नहीं दिख रहा था। उसमें से तो बहुत, हाँ फोल्ड था तो वो तो करा दिया मैंने ना, जो फोल्ड था ना वो करा दिया सर। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं सोच सर, लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि उस बैग में दो एक रुपए का कॉइन है ही, और दो जो बाकी कॉइन बचा उसमें या तो दोनों 5 रुपए कॉइन है या फिर एक एक रुपए कॉइन और एक 5 रुपए कॉइन। हाँ मतलब ये तो है, जैसे इसमें से ना सब क्वेश्चन करा दिया, जैसे ये करा दिया तो ये सब करा दिया, कुछ है नहीं इसमें, हम देंगे ले। इसमें क्लियर ये नहीं हो रहा है ना कि अगले स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं सर। अगले स्टेप में एक ही 5 रुपए कॉइन, एक ही कॉइन निकाल रहे हो और वो 5 रुपए कॉइन का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सर बैग में दो 1 रुपी कॉइन है, ये सियोर हो गया जो वहां पे लिखा है उसके कारण, और फिर दो केस बनेगा बैग का, या तो हम दोनों 5 रुपी कॉइन है या फिर एक 1 रुपी कॉइन और एक 5। कितना आ रहा है आंसर पता नहीं सर, बनाए नहीं है उसमें। लेकिन फिर ये होगा ना कि अगर जब उसमें हम रिप्लेस कर दिए तो रिप्लेस कर देंगे तो फिर बदल नहीं जाएगा। जब दो है ये तो इसकी वैल्यू तो हाफ हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 होगी, ठीक है ना? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं आएगी, 1/6 × 1/2 + 1/2 × 1/4 तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 24 अच्छा 8 3 ये आ जा रहा मेरा, गलत हो गया क्या, 5/24 ना? यस सर। तो ये तो नहीं आंसर ना इसमें, लेकिन गलत कहाँ पर, ये 1/6 है तो 1/4 + 1/4 नहीं, ये भी नहीं करेंगे ना। मतलब यहाँ पे जो है ना एक एक रेड आना चाहिए। अब वही ना कितना ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक ही बॉल ड्रॉ कर रहे होंगे, एक बॉल ड्रॉ कर रहे होंगे, और वो क्या आना चाहिए, 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए। तो 5 रुपए का सिक्का दो है तो दो में से एक कर लोगे, और टोटल सैंपल 4 × 1 है तो ये वैल्यू तो हाफ ही हो गए ना। और यहाँ पे कितना है, 5 में से 1 ड्रॉ कर दो, 1/4 ये तो आ रहा है, और 5 रुपए का सिक्का ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो वही आ गया ना, 1/6 × 1/2 + 1/4 × 1/2 सर। सारा 5 रुपए कॉइन अलग है, अब ये सब तो उसमें लिखा ही नहीं है ना, सेम आइडेंटिकल तो मान के चलेंगे ना, आइडेंटिकल मान के चलेंगे हम लोग, अलग मान रहे हैं, अलग मान रहे हैं क्या ये सर, 4 अलग अलग सिक्का मान रहे हैं, सेम होगा सब सिक्का सेम होगा। अच्छा हाँ, हम लोग अलग मान लिए ना, यस सर। तो सेम में कितना आएगा, डिवाइड करने होता है फैक्टोरियल से, ये 1 होगा है ना, ये तो 1 हो जाएगा। अच्छा 5 रुपए का एक ही सिक्का है, 2 ये लेना है तो इसमें कितना होगा, इसमें क्या हो गया, 1 1 1 और
एक रेड है और डिवाइड बाय और इसमें से दो केस लेना है तो कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी और इसके कितनी होगी, ठीक है ना, और आइडेंटिकल लेके बनाओ। सर एक बार शुरू से बता दीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये तो हम कल बताते रहना, तो ठीक है ना, तो छोड़ दो, बनाएंगे तो बता देता हूँ। वो कॉइन्स तो वैसे आइडेंटिकल है, वो लिखा नहीं है ना इधर 5 रुपीज, तो पांचों कॉइन अगर आइडेंटिकल होगा तो मेरे पास इसमें जो है, अगर हम ये केस ले कि तुम अगर ये केस लोगे तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी कि कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, ठीक है ना, ये चार कॉइन है, तो अगर ये चारों जो है तुम्हारे पास, ये चारों कॉइन जो है अगर इसका हो जाए, अगर ये चारों कॉइन 5 रुपया 5 रुपया और 1 रुपए 1 रुपए का हो जाए, तो इसमें से तुम्हारे पास जो है वो लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 होगी ना, ये 2/4 है सर। नहीं नहीं ये वाला एक सेट हो जाएगा ना दोनों का पेयर, अलग माने ना सर, सेपरेट सेम माने ना, अजय इसको करके बता दे रहना, ऐसा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, वो मतलब आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल का ये हो रहा है, कॉइंस आपस में आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है ना, वो कल बता दे। आंसर कितना है? आंसर 1/8 है, ऐसे लिखा हुआ ना उसमें पेज पे, तो उसमें हो सकता है कुछ छूट गया होगा, 1/8 है, वह देखते हैं, ठीक है फिर चलो।